I have a very weird face right now because he's Santapa. So firstly, congratulations to everybody. Thank you so much. हम तो यार बहुत एक्साइटेड है, बहुत मजा आ रहा है, मतलब अच्छा लगा इस दिन में वाला फीलिंग गुड हो गए, टच वुड, एंड वी रियली होप शो को भी इतना इससे ज्यादा प्यार मिले, एंड या वी ऑल वेरी हैप्पी सो फार. आफ्टर कमिंग आउट द ट्रेलर बाहर आने के बाद कितने फैमिली फ्रेंड्स, कितने सारे कॉल मैसेजेस आए? काफ़ियों के आए, उनको तो पता था, मतलब जो भी फैमिली फ्रेंड थे, जो क्लोज थे, उनको तो पता था हम उनको पता था हम शूट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो दे वर एक्साइटेड कि कब आएगा वो. मेरे से रोज़ पूछते थे कि टीज़र कब आएगा, ट्रेलर कब आएगा. मैंने कहा आ रहा है. अब उनको पता लग गया साथ को पूरी सीरीज़ आ रही है, तो बहुत एक्साइटेड और खुश हैं. तो आई गेस उन ऑलरेडी वो कॉल्स वगैरह तो पहले ही हो चुके थे सारी चीज़ें ना. बाकी सब ने वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दी, क्योंकि अगर आपका सच्चा दोस्त वही है या फैमिली मेम्बर वही है जो व्हाट्सएप पे लगा, इंस्टाग्राम पे सब लगा देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे लगाए सब. तूने प्लान कर लिया दोस्तों के साथ देखने ऐसा कुछ? हाँ, मेरे प्रॉपर हमारा क्या है कि जो मेरी पूरी टीम है, हम अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्टर लगा के पूरा एक दिन बिंज वॉच करेंगे विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टीम. हर्ष बेनीवाल आर्मी का अप्रूवल भी मिल गया. तो मेरे कैरेक्टर का नाम अभिलाष है, एंड ही इज द यू नो बॉडी ऑफ द ग्रुप, द सपोर्ट सिस्टम, जैसे लोग बोलते हैं द शोल्डर टू क्राई ऑन. सो या ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज फ्रेंड्स. मेरा कैरेक्टर प्रियंका का है, वो काफी रिबेलियस है, और मतलब आपको शो देखकर पता चलेगा कि मतलब स्टार्टिंग में मेरी इन लोगों से दोस्ती ऐसे कुछ खास है नहीं, मैं इसी के साथ मेरा इंटरेक्शन है जितना कुछ है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली. और फिर एंड में आते आते इन लोगों से भी मेरी बातचीत ही होती है बस ऐसा वाला. अरे टॉम हॉलैंड तू तो हाँ, मतलब ये सारे एक ग्रुप है और मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मेरा कैरेक्टर वैसा ही है, मैं इंडिविजुअल मैं अकेली हूँ शो में. तो जैसे अभिलाष ने बताया कि अभिलाष कंधा है, जिसके कंधे पे सब आके रोते हैं, जब अभिलाष रोता है तो मेरा कंधा है, तो मैं कंधे का कंधा हूँ, और मैं जैसे लिखा है जनता का बंदा हूँ, और हरियाणवी करेक्टर प्ले कर रहा हूँ मैं, एंड ये जुगाड़ू बंदा है, और दोस्तों के लिए हरदम खड़े रहना, वही वाले जो होते हैं ना, एक कॉल पर रात को आ जाना, आधी रात को कोई टेंशन नहीं, किसी की टेंशन नहीं, फुल फ्री बंदा, और काम के टाइम पे रियल लाइफ में मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है. दोस्त बनना पड़ता है उसके लिए. हां यार अभिलाष है, अभिलाष सपोर्ट सिस्टम. या आई एम प्लेइंग सुष्मिता, जो काफ़ी बिंदास है, काफ़ी फाइस्टी है, काफ़ी थोड़ी हटके है, यू नो, एंड जो करती है दिल से करती है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, एंड उसके लिए उसके दोस्त सब कुछ है, एंड उसकी कॉलेज लाइफ उसके लिए सब कुछ है, यू नो, शी इज़ दैट गर्ल, एंड शी इज़ अ फ्रेंड दैट एवरीवन वुड वांट टू हैव. आई ऑल्सो वॉन्ट अ फ्रेंड लाइक सुष्मिता. आई प्ले राघव, he's new to the college, तो वो अभी फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, ही इज़ द गाय हूज अरे कहाँ जाऊँ, और फिर वो एक जगह फंस जाता है जहाँ उसकी रैगिंग हो जाती है, और बेचारा फिर उसके बाद ढूंढता ही रह रहा है. तो मैं बेसिकली सीरीज में बहुत ढूंढ रहा हूँ अपने आप को, तो यही है, ढूंढ रहे इंसान, क्या होगा पता नहीं. इसके अंदर सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है एंड में, आप देखना, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं. ये हमारी अगली पोस्ट का कैप्शन भी है कुछ ढूंढ रहे हैं, 7 जनवरी को आपको ढूंढने को मिलेगी ये सीरीज, तो देखना. ढूंढना नहीं है, एमएक्स में फ्री में. या ये इंटरव्यू बोरिंग जा रहा है, सर सो रहे हैं. अगर आप मेरे को तो बहुत लगती है, क्योंकि हरियाणवी बैकग्राउंड से हूँ, हरियाणवी इसमें करा है प्ले मैंने, तो है कनेक्टिविटी है, और ऊपर से सारे दोस्त वगैरह भी जो रहे हैं टिपिकल हरियाणा के हैं, उनका भी करेक्टर मैंने ऑब्जर्व किया था. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है हरियाणा का, अमित नाम है, तो जब मैं ये कर रहा था तो मैं उसको भी बहुत ऑब्जर्व किया मैंने कि कैसे है वो, कैसे रहता है, तो ऑलमोस्ट मेरे दोस्त से जो है उससे भी बहुत सिमिलर है, मेरे से भी बहुत सिमिलर है ये करेक्टर, क्योंकि कॉलेज में ना पढ़ना, बंक करना, और वही
दोस्तों के काम पे काम आना, बहुत छोटा सर्कल होना बट जितने दोस्त है वो इंपॉर्टेंट होना, तो वो है मेरे साथ रियल में। आई थिंक बहुत जरूरी होता है अपने कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ढूंढना ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और उसको ट्रूली या यू नो यू कैन ब्रिंग सम रियलिटी टू इट। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज सुष्मिता काफ़ी अलग है, बट आई थिंक द फैक्ट कि उसकी दोस्त उसकी दुनिया है, मेरे भी दोस्त मेरी दुनिया है, सो आई थिंक दैट्स वेयर आई कनेक्ट विद सुष्मिता द मोस्ट। मेरा कैरेक्टर तो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है, एकदम ऑपोजिट है, उसको फन से कोई लगाव ही नहीं, और मुझे इतना फन करना पसंद है, मतलब वो इतनी सीरियस है और मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ, बट हाँ आई डू फील लाइक द वन सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड कैरेक्टर इज दैट यू बोथ लाइक यू बोथ स्पीक योर माइंड। हाँ वो है बट यू बोथ हम तुम पागल है क्या, अच्छा जोक का सॉरी यार। हां ठीक है कंटिन्यू। हां हां भूल जाके उसने कुछ बोला। हां अच्छा यू बोथ लुक सेम जोक सिम नहीं दैट मैंने कहा यू बोथ लुक सेम तू और प्रियंका अभिलाष से आई थिंक रिलेटेबिलिटी मतलब थोड़ी बहुत है, ये मैं सोचना चाहूँगा, मैं भी सीधा साधा लड़का हूँ, ही इज ऑल्सो यू नो अ स्वीट गाय हूज यू नो इज फिगरिंग हिज वे आउट ड्यूरिंग हिज कॉलेज ईयर्स एंड बट रिलेटेबल से ज़्यादा मैं अभिलाष जैसा दोस्त चाहूँगा you know मेरी लाइफ में, कि सुधीर जैसा नहीं जाएगा तू, सुधीर जैसा सुधीर तो है ना, सुधीर सुधीर जैसा वो रियल लाइफ में बोल रहा है। तो राघव लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज आल्सो यार, लाइक आई फील आई एम आल्सो क्वाइट कंफ्यूज्ड, या आई फील I also he's struggling with something else. Yeah. He has his own insecurities. I personally think I'm fairly insecure about a lot of things. That's why I kind of put a different face on, that's what he does as well, so that's a similarity. And then mujhe also lagta hai ki main aur Raghav same time pe sote uthte honge, matlab jaise wo sote oh my god jab wo uthta hai na, oh my god angel main batata hu tumhe, mujhe lagta hai jab Raghav jis time pe uthta hoga na us time pe main bhi uthta hu, main keh raha hu ispe comment aane wale hain सब नहीं होते लक्ष्मी सब नहीं होते स्टोरीज मतलब हमारी खुद की द फर्स्ट गर्ल आई एवर डेटेड वाज इन कॉलेज एंड दैट्स एक्चुअली द इवन मोर देन द ड्रामेटिक सोसाइटी दैट्स व्हाट आई कीप विद मी बिकॉज़ आई थिंक इवन दो वी नॉट टुगेदर एनीमोर आई थिंक शी इज स्टिल लाइक दैट्स द वन पर्सन दैट आई गेन फॉर लाइफ हु आई स्टिल लव नाइस आई थिंक अब 4 साल जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट थी लाइफ की उसको एक स्टोरी में मैं कैसे बताऊँ, आई स्पेंड 4 years ठीक है हर्ष हाँ मूविंग ऑन हर्ष वो नहीं बता पा रही उसको नहीं मैं नहीं बता पा रही ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ कॉलेज मेरे को लगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ क्योंकि मैंने भी स्टोरी भी शेयर करी थी कि एक लड़की के चक्कर में मैंने थिएटर सोसाइटी का ऑडिशन दिए थे, हालांकि मुझे एक्टिंग करनी थी बट मेरे को पता नहीं था कि आई कैन परफॉर्म, तो मैं को वहाँ मेरी आप पहली परफॉर्मेंस कह लो, आई थिंक यू शुड थैंक हर, मेरी बात भी नहीं होती उससे, वही तो उस टाइम भी नहीं होती वो वीडियो देख, थैंक यू सो मच अगर आप ये देख रहे हो इंटरव्यू आपकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, बाकी आप इंटरव्यू देख रहे हो तो ये भी देख लेना 7 तारीख को आ रहा है, थैंक यू सो मच ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देख, अरे कुछ भी अरे क्या सही बात है, अच्छे जोक से तो छिड़ अच्छे जोक सैंटा मेरी स्टोरी क्या मतलब हाँ थोड़ा बहुत हर्ष जैसा ही है कि कॉलेज में मेरे पास टाइम बहुत था क्योंकि घर पर नहीं रहती थी हॉस्टल में थी, पढ़ाई लिखाई भी जल्दी से फिनिश हो जाती 2-3 घंटे में, फिर टाइम ही टाइम होता था, तो मैंने भी अपने ऐसे वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करा, तो आज मैं भी जहाँ यहाँ बैठी हूँ इसके साथ इन सब के साथ, तो वो कॉलेज की वजह से ही है कि मेरे पास इतना टाइम था, एक फ़ोन था मेरे हाथ में, तो मैंने ये सब शुरू किया और आज यहाँ है। क्या बात है, मैंने कॉलेज आई थिंक जो दोस्तों के साथ बाहर घूमना कॉलेज के बाद एक वही एज इन जो फ्रीडम होती है कॉलेज में आके, कि स्कूल में क्या होता था आप निकल नहीं सकते स्कूल प्रमाइसिस के बाहर, यहीं से घर जाओ ये करो, सो कॉलेज में मैंने थोड़ा बॉम्बे भी देखा विद माय फ्रेंड्स एंड थोड़ा घूमे, वी एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, एक्सप्लोर लॉट ऑफ फूड, कॉलेज में भी मस्ती करते थे, सो दैट्स यही मेमोरीज है मेरी कॉलेज की। Did something click with you now? And also ये 7 चांद को stream कर रही है, we are already into December, so अभी कुछ ही time बचा है, कुछ expectations है इसको लेकर? Hopefully 7 Jan comes. That's why I'm expecting it to like. I'm expecting the days. I'm expecting expectation. Tomorrow I'm expecting. No. Wait, I'll tell you.
So today's the 23rd. I think I'll speak. Today's the 23rd, Thursday. Angel. I think we're all. Kal I'm expecting Friday ho jaye, 24th ho jaye. Aur main dheere dheere ke 7 tak pahunch. एक्सपेक्टेशन यही है कि हमें एक तो पता है हमने क्या किया तो हम बहुत एक्साइटेड हैं वो स्क्रीन कर लो पहले कर लो ही इज बीइंग राघव राइट नाउ ब्यूटीफुली वियर्ड बट वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग इट टू ब्लो अप एंड दैट्स व्हाट वी वांट बिकॉज़ इन अ गुड वे यस इन अ गुड वे दैट्स आई मीन द वे आई सेड इट सेज इट वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम द शो बिकॉज़ इट इज ब्यूटीफुल इट इज so amazing it is so well written it is so well done and I think we shot it very honestly and yeah heart and soul has been put into this yeah. So we really hum to expect kar hi rahe hain ki matlab hame bahut khushi hui shoga part ho gaya and matlab hame bahut maza we are very excited to see yes absolutely audience bhi expect kar rahi hai ki humse kar rahi hai bahut zyada ki kuch dekhne ko milega kuch alag milega and kuch unique milega baki aur college shows se thoda hatke hai thoda alag hai thoda reality hai baki to aap hi batayenge yeah एक साथ बोल दीजिए कि 7 जन को इट्स कमिंग एंड वॉच इट हे गाइस 7 जन को कैंपस डायरीज आ रही है एमएक्स पे तुम लेट हो गए ना फिर मेरे को लगा हो गए तू स्टार्ट ही था हे गाइस वॉच कैंपस डायरीज 7th डायरेक्ट वॉच कैंपस डायरीज 7th 2 3 गो वॉच कैंपस डायरीज 7th ऑफ जन ऑन एमएक्स पे फॉर फ्री एकदम फ्री देख समझ गया फ्री ओके फ्री मुझे लगा ओनली ऑन एमएक्स बोल यार प्लीज यार वंस अगेन आई एम गेटिंग थैंक यू सो मच थैंक यू